पहली बार देखा तो अभी अपना बच्चा सबको सुंदर लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी उम्मीद है सबको इतना अच्छा लगेगा। Yeah, I loved it. I want to congratulate Karan Anshuman and the entire team really? of Inside Edge, क्योंकि एक्टर्स होने के तौर पर हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब हम शूट कर रहे होते हैं, हमें लगता है ये अच्छा हो रहा है, ये कितना अच्छा हो रहा है, ये कैसे निकल के आएगा, और आज जब हमने थिएटर में देखा तो आई जस्ट लाइक टू से यू सरप्राइज्ड अस बोथ रिचा मी एंड आई थिंक लॉट्स ऑफ अस वर सरप्राइज्ड वेरी पॉजिटिवली। हमें लगा कि जितना हम सोच रहे थे कि इतना अच्छा होगा उससे कई ज़्यादा अच्छा आपने बनाया, सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू गाइज, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। No, no. This show is nothing without Vikrant Dhawan and Zarina Malik. No, it's not because of us. Of course it is. No, it's him. पर अभी 10 तारीख को, 10 जुलाई को Amazon Prime पे पूरी दुनिया में 196 देशों में और कई टेरिटरीज में, 200 से ज़्यादा टोटल टेरिटरीज में 10 के 10 एपिसोड एक ही दिन 10 जुलाई को रिलीज हो जाएंगे, और आप एक देख सकते हैं, दो देख सकते हैं, या 10 के 10 देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, बिंज वॉचिंग कर सकते हैं। तो वेयर होपिंग कि जिस तरह से लोगों का रिएक्शन आ रहा है ऑनलाइन, शो बहुत सक्सेसफुल रहेगा एंड आई एम लव एंजॉय वॉचिंग इट। जी 100% बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि विक्रांत धवन एक बहुत आला कैरेक्टर है, बहुत एक्साइटिंग कैरेक्टर है। जरीना मलिक भी बहुत अलग कैरेक्टर है, मुझे नहीं लगता है कि रिचा ने इस टाइप का कोई रोल प्ले किया है। मैंने कभी नहीं किया है सर। वी आर ऑल एक्साइटेड। आप देख रही हैं कि इंटरव्यू के बीच में भी वो अपनी गपशप उनकी चली रही है। शी इज एक्साइटेड, शी इज रियली एक्साइटेड आई थिंक द फर्स्ट टू एपिसोड्स। मैं जो किरदार प्ले करती हूँ वो जरीना मलिक है, एक एक्ट्रेस जो एक क्रिकेट टीम की को ओनर है और स्टार भी है, और दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आगे चलने की कोशिश कर रही है, पर रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं जैसे कि ये। तो हालांकि हम ऑपोजिशन में हैं, हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी हुई रिचा का परफॉर्मेंस देख के। आई थिंक दिस इज रिचाज बेस्ट परफॉर्मेंस टू डेट। आई थिंक शी इज फैबुलस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। It really means a lot. Yeah, let's not talk about anything else right now. I'm just celebrating Inside Edge right now. I'm too happy. बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। Definitely. I think Inside Edge के success के बाद बहुत उसको फर्क पड़ेगा। बहुत दरवाजे भी खुल जाएंगे। सच बोल रही हूँ। Cheers. Thank you guys. Thank you for being here. Thank you.